आप हमें बहुत बार डांस क्लास में देख चुके हैं, स्टेज पे देख चुके हैं, टीवी पे देख चुके हैं परफॉर्म करते हुए, बट दिस इज़ समथिंग दैट आई नेवर थॉट विल हैपन कि हम लोग पापा के साथ क्लास करेंगे और वहाँ पे साथ में परफॉर्म करेंगे, वो भी इस गाने पर. एंड आई एम सरप्राइज्ड कि पापा मतलब इतना स्विफ्टली फास्ट मूव कर लेते हैं. अब पता चल रहा है कि हमें हमारे अंदर डांस के जीन्स कहाँ से आए. दिस अ वेरी स्पेशल डे क्योंकि सीखना और क्लास में आना, और ये स्टूडियो एक्चुअली पापा ने ही बनवाया है. एक एक चीज़ यहाँ पे खड़े होकर लाइट लगवाई है, एसी, ये वो, और पापा ने लेकिन क्लास नहीं ली कभी, यहाँ पर आके सीखे नहीं हैं. तो वो भी हमारे बगल में खड़े होकर सीख रहे हैं, और सारे फादर्स के बगल में एक बच्चा था. यहाँ पे टू मच टू हैंडल. दो तो आए भी नहीं थे, और आ जाते तो मुश्किल हो जाता. बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा. ये तो क्या होता है कि जैसे मन का मोड़ तो नाचता ही रहता है, आज इस बूढ़े शरीर को भी कभी नाचना पड़ा है, लेकिन बहुत अच्छा लगा. और मैं सोचता हूँ कि शायद और अच्छा डांस होता तो बहुत बढ़िया है. इन लोगों के स्टैंडर्ड को मैचअप करना ये मेरा फ़र्ज बनता है, लेकिन वो हो नहीं पाया. तो मैं सोच रहा हूँ आज से कि शायद मैं डांस की रेगुलर प्रैक्टिस करूँगा, ताकि अगले फादर्स डे तक आपको अच्छा विजुअल मिले. अभी तो इसके बाद अभी लेके जाएंगे पापा को कहीं पे खिलाएंगे. पापा लव्स इंग्लिश ब्रेकफास्ट, टी विद क्रोज़ों. तो कहीं जाएंगे, मस्ती करेंगे, पापा की शॉपिंग भी कराएंगे, और पापा को जो भी करना है हम सब कराएंगे. वैसे एक्चुअली मेरा बर्थडे आ रहा है, तो मेरी शॉपिंग हो सकती है साथ. प्लीज़ इग्नोर दिस. इसका बर्थडे आता है मतलब बिकम्स अ नेशनल इवेंट. नहीं, और पापा वॉज बींग वेरी हम्बल बाई सेइंग कि मैं मैचअप करूँगा. पापा इज़ अनदर लेवल व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेशंस, और हम लोगों को समझाना कि क्रिएटिविटी क्या होती है. तो हम लोग तो फिजिकली उछल कूद करते हैं, बट वो दिमाग से क्या सोचते हैं और जो एक्सप्रेशंस करते हैं. एंड बिकॉज नाउ ही इज़ ऑफकोर्स आर फादर एंड ओल्ड, तो कुछ फिजिकली वो नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा कुछ परफॉर्म कर देंगे वो बैठे बैठे that you will be blown. So I have but honestly, lot of respect for papa. He is a true artist and he motivated us to do what we are doing today, and it wasn't easy from where we started, at what time we started. Us waqt jahan pe sab log mana kar rahe the ki ladkiyon se ye mat karwao, is where he stood up and he never let us know ki ye mat karo ya fir mere ko bahut sunne ko mil raha hai. Nothing, he never let anything come to us ki hum char betiyan hain. He has been the strongest force in our life and he is still standing by our side papa. Very strong, and we love you papa. I think main to bahut achhi bachi hu. Mukti ko daat padi hogi. Daat sabse zyada hostel mein papa complain kiske aati hai, par papa ne kabhi nahi daata mujhe. Nahi, sach mein inki bahut complain aati hai. Complain aayi hai par daata nahi papa ne. Papa ne do whatever you want to do. पर इसको डांट पापा बिल्कुल डांटनी पड़ी है, ये झूठ बोल रही हैं. अच्छा, मेरे को एक्चुअली पापा ने एक बार मुझे कम मार्क्स आए थे, तो मैंने रिपोर्ट कार्ड दी थी, और पापा ने मार्क्स देखे, मुझे देखा, बहुत देर तक देखते रहे. तो मैं क्यों देख रहे हैं पापा, अलग तरीके से देख रहे करके मैं भाग गई. पापा ने बस ऐसे ही देखा है, पापा ने कभी डांटा नहीं है, और वही इनफ है हमारे लिए एक्चुअली. मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी का जो अभी तक का सबसे अच्छा गौरवशाली जो समय था, वो ये था कि जिस बोर्डिंग स्कूल में बच्चे पढ़े हैं, जिनको मैं छोटे छोटे पौधे लेके गया था, और जब आज ये जिस मुकाम पे हैं, तो इनके स्कूल ने जब इनको बुलाया, ऑनर किया, उस स्कूल के उन स्टाफ को, उस स्कूल के टीचर को, प्रिंसिपल को, जब मैंने उनकी आँखों में जो देखा मेरे बच्चों की छवि, कि उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको बहुत कुछ मिला, कि भाई हमने यदि किसी पौधों को पानी दिया, सींचा है, तो उन एक माली के चेहरे पे जो खुशबू वाली हंसी होती है, वो उनके थी. और उस समय जब इन मेरे बच्चों का वहाँ पे जो आदर सम्मान हो रहा था, और इनको बड़े बड़े गिफ्ट मिल रहे थे, मेरे ख्याल से वो मेरे जीवन का बहुत अच्छा पल था, और मुझे ही बुला के उन्होंने सम्मानित किया. बहुत अच्छा लगता है, साथ साथ एक जिम्मेदारी का बोझ लगता है, जो मैं इन बच्चों के सिर पे ही रखना चाहता हूँ, कि आप जितने आपको समाज ये आपको जो इज्जत देता है, तो साथ साथ एक जिम्मेदारी भी देता है कि आप हमेशा एक उदाहरण ये पेश करें जिससे समाज को सुख मिले. कभी भी ऐसा उदाहरण पेश न करें जिससे समाज को दुख मिले.
तो मैं इन बच्चों को भी यही कहता हूँ और इनसे आशा भी ये करता हूँ कि जीवन भर समाज की सेवा ही करते रहें अच्छे इंसान बनकर. वेल, अभी सीज़न 4 स्टार्ट होने वाला है एंड एवरी सीज़न इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चैलेंजिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि हमारे पूरे देश भर से नया टैलेंट ढूंढ के लेकर आना और उनको तैयार करना फॉर द शो एंड मेंटेनिंग दैट लेवल, बिकॉज इट्स बिन नंबर वन शो फॉर लास्ट 3 years एंड नाउ दिस विल बी अनदर चैलेंज फॉर अस. सो आई एम होपिंग, और यहाँ पर भी इन बच्चों को ट्रेन करके आई होप कि इनको मैं उस स्टेज तक लेकर जा पाऊँ और वो जीतें और समडे सी देम पीपल लाइक ये. सो आई रियली होप कि नृत्य शक्ति एक ऐसी जगह बने जहाँ पर बच्चे आके सीखें और नेशनल टेलीविजन पे परफॉर्म करें. जैसे पापा ने बोला कि उन्होंने जो हमारे टीचर्स की आंखों में देखा, वो जो खुशी देखी, वो मेरी आंखों में होगी कि हमारे बच्चे स्टेज पर जा रहे हैं एंड देन दे आर विनिंग द शोज. दैट विल बी माय ड्रीम. हां जी, तो डांस प्लस 4 आएगा, उससे पहले आएगा दिल है हिंदुस्तानी सीजन 2, जिसमें मैं होस्ट कर रही हूँ विद राघव. वो 3 सीजन से इतना मंजा हुआ खिलाड़ी हो चुका है कि वो आई थिंक डांसिंग भूल चुका है और बहुत होस्टिंग कर चुका है, तो मैं उसको होस्टिंग भुलाने वाली हूँ. नहीं, हम लोग बहुत मज़े करने वाले हैं और ऑलरेडी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ दिल्ली हिंदुस्तानी सीजन 2 आने वाला है, जिसमें प्रीतम दास, सुनिधि जी और बादशाह जजेस हैं. तो देखिए, इंजॉय करिए और ऑन स्टार प्लस, स्टार प्लस के साथ